हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लेवल क्लासेस। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, नंबर वन, हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियर्स, इसका जो नंबर है वो है 624.0202। और इसको जब एनालाइज करेंगे तो 624 पे सिविल इंजीनियरिंग, 0202 पे हैंडबुक। दूसरा टाइटल हमारा रेफरेंस सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में दो बार आया हुआ है, रेफरेंस सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब इसका नंबर बनेगा 025.527 और 77। इसके बाद इसको जब एनालाइज करेंगे, 025.527 रेफरेंस सर्विस, 0277 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फॉलोइंग 02 इन 026.027, और यहाँ पे 02 को हटा देंगे, सीधा हमारा फाइनल नंबर ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ए टेक्स्ट बुक हो बुक स्टैटिस्टिक्स। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका आपका नंबर नहीं बनेगा। हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ए टेक्स्ट बुक हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ए टेक्स्ट बुक हो इंग्लिश, ए टेक्स्ट बुक हो मैथमेटिक्स, कुछ भी आएगा, ए टेक्स्ट बुक का नंबर आपको यूज़ नहीं करना है। डायरेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का नंबर मिल जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स का नंबर होता है 310। जब उसको एनालाइज करेंगे, 300 सोशल साइंस और 310 स्टैटिक्स। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे देखिए, डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी यानी कि एक सब्जेक्ट की बायोलॉजी है। जब बायोलॉजी का नंबर चेक किया हमने तो 574.03 पे मिला हमारे को, 500 पे प्योर साइंस, 570 पे लाइफ साइंस और 574 पे हमें बायोलॉजी मिला। और यहाँ पे डिक्शनरी का नंबर हमारे पास क्या था, यहाँ पे यू लिख लो आप, डिक्शनरी का नंबर 3 कहाँ से मिला, टेबल 1 से। ठीक है, तो हमारा टाइटल क्या होगा, डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट है, तो इसका जो नंबर बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा 574 पे बायोलॉजी, और 03 हम लगा देंगे डिक्शनरी का नंबर कहाँ से, टेबल 1 से। नेक्स्ट टाइटल हमारा इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन USA एंड इंडिया। यहाँ पे देखिए, एक टाइटल आपका हर बार एग्जाम में आ जा रहा है, जैसे फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। जब फॉरेन रिलेशन की बात आएगी तो वहाँ पे 327 पॉइंट, इंडिया का नंबर पहले दिया हो तो इंडिया का नंबर 54 और फिर 0, और फिर उसके बाद अगर यूएसए दे रखा है इंडिया के साथ तो 73। तो यानी कि फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा 327.54073। ये किसका नंबर है, फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इसका नंबर ये फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ध्यान रखना है आपको। ये पेपर में हर बार आता है, इस टाइप का पेपर में हर बार आ रहा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन USA एंड इंडिया, इसका मतलब है ये भी इकोनॉमिक रिलेशन का है। तो इकोनॉमिक रिलेशन में जैसे भी हम गए तो वहाँ पे 337 पे हमारे को मिला इकोनॉमिक रिलेशन, और 73 हमारा क्या है, USA का नंबर, 0 क्या हमारा फैशन इंडिकेटर, और ये हमारा क्या है, इंडिया का नंबर। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है जो आपके एग्जाम में कई बार देखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट ये हमने यहाँ पे एनालाइज कर दिया, 330 पे इकोनॉमिक्स, 337 पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 73 पे USA, 0 पे फैशन इंडिकेटर और 54 पे इंडिया, और इंडिया का नंबर हमने कहाँ से लिया, टेबल 2 से। नेक्स्ट है हमारा हिंदी रीडर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। हिंदी रीडर मतलब कि जो लोग हिंदी रीडर हैं, किसके लिए, जो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा लैंग्वेज हमारी 4 में जाएगा, और 491.4 तक हमारा क्या आएगा, 43 तक हिंदी लैंग्वेज, और 864 हमारा क्या है, रीडर। तो वहाँ पे रीडर दिया गया है, और यहाँ पे इंग्लिश का नंबर है, और यहाँ पे एनालाइज करेंगे, 400 पे लैंग्वेज, 9143 पे हिंदी कहाँ से मिला, टेबल 6 से, 864 पे स्पीकिंग पेपर, 21 पे इंग्लिश जो हमारे को मिला, टेबल 6 से। नेक्स्ट है हमारा बंगाली डिसीज। बंगाली डिसीज मतलब रेशल इथिक्स एंड नेशनल ग्रुप, टेबल नंबर 5। यहाँ पे हमारे को दे रखा है, जब भी किसी भी टाइटल में जैसे जापानीज कुकरी, पंजाबी कुकरी या डिशेज कोई भी रिलेटेड आएगा तो उसकी मेन क्लास जाएगी 641.592। दिस इज बेस नंबर, ये 592 तो यहाँ बेस नंबर बनेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे बंगाली का नंबर लगा देंगे। तो यहाँ पे एनालाइज करेंगे, 641.4 ड्रिंक, 641.592 एथिक्स कुकरी, और ये हमारा क्या है, बेस नंबर, ये हमें लिख के दिखाना है। और उसके बाद हमारा 914 पर क्या, बंगाली का नंबर। नेक्स्ट है हमारा हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ पे एक डिक्शनरी है, किस टाइप की डिक्शनरी है, ये एक लैंग्वेज की डिक्शनरी है। यहाँ पे दो लैंग्वेज दी गई है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, तो यहाँ पे हमारा नंबर बनेगा
491.43321। डिक्शनरी का नंबर हमेशा बीच में ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसाइक्लोपीडिया इन फ्रेंच। देखो यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया क्या है, ये हमारा मेन क्लास है। यहाँ पे 03 इंसाइक्लोपीडिया का नंबर आ गया और यहाँ पे 41 हमारा किसका नंबर आएगा, फ्रेंच का। यानी कि हम 03 पे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया और 41 पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रेंच का नंबर। और फ्रेंच का नंबर कहाँ से मिला, टेबल 6 से, और ये इंसाइक्लोपीडिया का नंबर हमारा है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर दैट मीन्स हमारा टेबल नंबर 7, और यहाँ पे मैथमेटिक्स का नंबर देगा 510। अगर यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया तो 088 हम ऐड करते हैं, और उसके बाद 62 हमारा किसका नंबर, इंजीनियर का नंबर। तो फाइनल हमारा नंबर ये बन गया आपका 510.8862। नेक्स्ट टाइटल हमारा कलेक्शन फॉर हिंदी पोएट्री। यहाँ पे कलेक्शन है किस चीज़ का, ये हमारा 08 कहाँ पे मिला, टेबल 3 में 1008 हमें मिला, 1008 टेबल 3 में, और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फाइनल नंबर बन गया 491.431008। अब नेक्स्ट है हमारा बाइबल इन उर्दू लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार देखा गया है। तो यहाँ पे इसकी जो मेन क्लास होगी हमारी 220 होगी, लेकिन 220.5 पे हमारे को दे रखा है मॉडर्न वर्जन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बाइबल इन उर्दू लैंग्वेज। फाइनल नंबर बनेगा 220.591439। ये इस तरह से मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट टाइटल्स कराए हैं। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिले, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है, चाहे आपके एक दिन रह गया हो चाहे आपका दो दिन रह गया हो, लेकिन क्लास आपकी सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगी, जिससे आपका एक एक बेस क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं फेल नहीं होने दूँगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अगर किसी बच्चे को टेंशन ज़्यादा हो रही, टेंशन बिल्कुल ना ले, यहाँ पे आके अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो स्टडी सेंटर है, वो सादर मेट्रो स्टेशन के पास है। आपको पूरी डिटेल चाहिए तो गूगल पे लिखिए स्टार वोकेशनल एजुकेशन पॉइंट, तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपना पेपर ध्यान से दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर सर एंड योर फैमिली।